नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। मौसम की तमाम बड़ी हलचलों के साथ मैं हूं अंचल सिंह। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रायलसीमा के करनूलों में अधिकतम तापमान रहा 37.3 डिग्री सेल्सियस। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दो दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं होगी बारिश। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान। बिहार और झारखंड में दो दिन चलेंगी तेज हवाएं। राजस्थान और विदर्भ में भी तेज हवाओं के आसार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। आज पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। ओडिशा में आज कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में ओले और गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो दिन ओले और गरज के साथ तेज हवाओं के आसार। दो दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ओले और गरज के साथ तेज हवाएं संभव। गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दो दिन चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। दो दिन बिहार और झारखंड में ओले और गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो दिन ओले पड़ने के साथ तेज हवाओं के आसार। दो दिन राजस्थान और आज विदर्भ में गरज के साथ तेज हवाएं संभव। और अब बात तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। लद्दाख में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत आपको बता दें कि पंजाब के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तराखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रायलसीमा में रहा। रायलसीमा के करनूलू में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात न्यूनतम तापमान की। रायलसीमा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहां पर 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं पूर्वानुमान की। सबसे पहले नजर बारिश के हाल पर। आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह होगी बारिश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर इलाकों में वर्षा की संभावना। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ भी दो दिन कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। दो दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं होगी बारिश। दो दिन बिहार, झारखंड, इसके अलावा ओडिशा के अनेक स्थानों पर भी बारिश की उम्मीद है। गांगे पश्चिम बंगाल में दो दिन कुछ इलाकों में बरसेगा पानी। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी होगी बरसात। अरुणाचल प्रदेश में दो दिन कहीं कहीं वर्षा की संभावना। दो दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। दो दिन पूर्वी और आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसेगा पानी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार। आज दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी कहीं कहीं बरसेगा पानी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी बरसेगा पानी। वहीं लक्षद्वीप में भी दो दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। विस्तृत जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।